तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले वीडियो का विनर कौन है। तो विनर का नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो कम्युनिटी में इनका लिंक आपको लगाया गया होगा। तो आप लोग चाहिए कि भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तभी आगे आप ऐसे बढ़ोगे। इस तरह से आप ही अपना लिंक लगाना चाहते हो, विनर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना होगा। और इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आपको कॉमेंट कर देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक एमपी गन टेक्निकल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आप सब जो नए यूट्यूबर हो उनके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो को अंत तक आप लोगों ऐसे देखना। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अगर आप लोग बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हो, उसमें व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, या मोनेटाइज होने में आपको कुछ ही सब्सक्राइबर बचा हुआ है या कुछ ही वॉच टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में अगर आपके पास पैसे है तो आप कुछ पैसे लगाकर आप ऐसे अपना ऐसे सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ा सकते हो, व्यूज बढ़ा सकते हो, अपना वॉच टाइम ऐसे बढ़ा सकते हो और आपका आगे जाके मोनेटाइज होने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ही इजी ट्रिक है, मैं आपको लेके आया हूँ फ्रेंड। ऐसे में आप लोग सोच रहे हो कि गूगल एडवर्ड से मैं कर रहा हूँ, तो फ्रेंड नहीं, गूगल एडवर्ड से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गूगल एडवर्ड से कहीं ना कहीं है गूगल एडवर्ड काफी महंगा होता है और साथ में आप लोगों को कैंपेन रन होने में 3 से 4 दिनों लगता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरा कल जो वीडियो में जो कॉमेंट किया था बंदा, उनके वीडियो किसी को एक वीडियो में ले लेता हूँ, उन्हीं को बढ़ा के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपना वीडियो बढ़ाऊंगा तो आप लोगों के कुछ मन में डाउट हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक ट्रिक नहीं बताता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना, उस ट्रिक को मैं बताता ही नहीं है जो फेक होता है, ठीक है, बस आपको ध्यान से उस वीडियो को देखना होता है। तो देखो फ्रेंड, पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किया, तो चलिए मैं यहाँ से किसी एक का चैनल के अंदर जाता हूँ और वीडियो को बस वॉच कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं एक कमेंट, हम किसी एक को कमेंट के ले लेते हैं, आगे पीछे करके जो जिसमें रुक जाएगा उसका ऐसे मैं वीडियो ऐसे यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, किसी एक का वीडियो डाल देता हूँ कमेंट को। 21 घंटा पहले मुझे ये कमेंट किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इनके चैनल पे चले जाता हूँ, इनके चैनल पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे करीबन इनका 33 इसमें व्यूज है, यहाँ पे 33 यहाँ पे व्यूज है, लेकिन मैं इसमें बढ़ा के कुछ आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे व्यूज इतना कम है, लेकिन अब मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड व्यूज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल का गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाने पर आप लोगों के एक वेबसाइट आपको सर्च करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वेबसाइट नेम आपको लिखना है स्नेकर पैनल, सिंपल सा आपको स्नेकर पैनल के ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड, उसके बाद एक वेबसाइट यहाँ पर नीचे खुल के आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे snakerpanel.com, इस पर क्लिक आपको ऐसे कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे फ्रेंड, उसके बाद आप लोगों को लॉगिन हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी मांगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले से लॉगिन हो तो अब मुझे ईमेल आईडी मांग नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके लॉगिन विद गूगल से ऑप्शन पे क्लिक करना है या ईमेल आईडी डाल के आओ, पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है, तो आपको कोई भी ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को देखिए, आपको जो है से व्यूज बढ़ाने के लिए आपको बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास बैलेंस 7 रुपया यहाँ पर है, तो हमें 7 रुपये में कितना व्यूज मिलेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कैसे बैलेंस ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिंपल से आपको क्या करना है कि कैसे व्यूज बढ़ाना है मैं आपको बताता हूँ। नीचे में आपको आ जाना है, नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पर सर्विस के ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे आप लोगों को व्यूज बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे यहाँ ऑप्शन मिलता है, बहुत चीज़ों का आप व्यूज बढ़ा सकते हैं, लाइक बढ़ा सकते हो, सब्सक्राइब बढ़ा सकते हो, इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से हमको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे यूट्यूब व्यूज का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको क्या करना है, यूट्यूब व्यूज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूट्यूब अगर वॉच टाइम चाहिए तो वॉच टाइम कर सकते हो, मोनेटाइजेशन पैक लेना है तो मोनेटाइजेशन पैक ले सकते हो, सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। तो हमें चलिए फिलहाल में बस यहाँ पे व्यूज बढ़ाना है, तो सिंपल से व्यूज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। याद रखना है यहाँ पे यूट्यूब अगर व्यूज बढ़ाना है तो व्यूज पे ही क्लिक करिए, ना तो कुछ और भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे में आप लोगों को देखिए, जिसका आपके चैनल पे व्यूज बढ़ाना चाहते हो, जिसका वीडियो पे व्यूज बढ़ाना चाहते हो, उसका लिंक यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं वहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे सिंपल से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ नीचे में पूछ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप क्वांटिटी का मतलब कितना आपको ऐसे व्यूज लाना है। तो जैसे फिलहाल में मैं 200 लाता हूँ, तो यहाँ पे अमाउंट मेरे पास नहीं है 200 बढ़ाने के लिए,
क्योंकि मेरे पास 7 रुपया ही है, तो 7 रुपये में आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसमें अमाउंट ऐड करना होगा। तो चलिए अमाउंट कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अमाउंट ऐड करने के लिए सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से ऐड फंड्स के ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे ऐड फंड्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप पेटीएम से भी कर सकते हो, फ़ोनपे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं फ़ोनपे से यहाँ पे 10 रुपया कर लेता हूँ। आप फर्स्ट टाइम आप 10 रुपया से ज़्यादा मत करना, क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 रुपये ही फर्स्ट टाइम करना। मैं ज़्यादा आपको सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा बर्बाद करोगे ये मैं नहीं चाहता। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप गड़बड़ा सकते हो तो सेकेंड बार आप ट्राई कर सकते हो ऐसे। उसके बाद नीचे में आप लोगों को क्या करना है कि आपको देखिए ये UPI आपको मिल रहा होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे QR कोड मिल रहा होगा। QR कोड आपको किसी से भी स्कैन करके आप जितना बैलेंस डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल में आपको जैसे बैलेंस डालना है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, ना कि 21 रुपया और 22 रुपया, ऐसे नहीं डालना है आपको। तो चलिए पहले QR स्कैन करके हमें इसमें पैसा डाल लेते हैं। आपको कोई भी मोबाइल से QR स्कैन कर लेना है, ठीक है। QR स्कैन करके मैं डाल लेता हूँ पहले। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं अमाउंट ऐसे यहाँ पे 10 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मत डालना, आप भी मत डालना ज़्यादा। मैं ऐसे आपको नहीं कहता हूँ कि 10 रुपये डाल के आप ट्राई कर लें, उसके बाद जितना आपको डालना होगा आप ऐसे डाल सकते हो। सिंपल से आपको क्या करना है, उसके बाद इसके सेंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको UPI डालना है। तो फ्रेंड मैं UPI डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे क्लिक करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे ऐसे 10 रुपया उसके अकाउंट में ऐसे पे हो चुका है उस वेबसाइट पे। अब आपको क्या करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और नीचे में आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हिस्ट्री का है। सिंपल से आपको हिस्ट्री का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे सिंपल से इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ID है सिंपल से आपको ट्रांजेक्शन ID को आपको कॉपी कर लेना है। एक बार ट्रांजेक्शन आईडी के जैसे कॉपी कर लोगे, हम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी, उसके बाद उस वेबसाइट पे आपको आना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी मांग रहा है। सिंपल से आपको ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ से इस पर दे देना है और पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कितना रुपये आप पे किए हो। तो फिलहाल मैं ऐसे 10 रुपये पे किया हूँ, तो सिंपल से आपको 10 रुपये यहाँ पे ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर में लिखेगा यहाँ पे ऊपर जो ऐड हो गया यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेगा आप जैसे कि अभी आपको लिखाया था। उसके बाद थोड़ी देर में आपको यहाँ पे ऐसा शो करने लगेगा। तो फ्रेंड अब आप लोग देखो 7 से यहाँ पे 17 दिखाने लगा है अमाउंट यहाँ पे मेरा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, अब दोबारा से वही प्रोसेस करूंगा मैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद ये सिंपल से आपको क्या करना है यहाँ पे ले आते हैं हम, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको दोबारा से इस पर व्यूज पे क्लिक करते हैं, और हमें नीचे आ जाना है, वहाँ पे लिंक आपको डालना है। तो हमें लिंक दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, तो सिंपल से दोबारा से हम जाकर कॉपी कर लेते हैं पहले। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं ऐसे अपना लिंक ऐसे डाल लेता हूँ यहाँ पे, फिर सिंपल से पेस्ट कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं कितना हमको व्यूज बढ़ाना है। तो हमें यहाँ पे व्यूज बढ़ाना है 100, ठीक है, यहाँ पे 100 डालता हूँ। तो हमें 9 रुपये कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 100 बढ़ा देता हूँ यहाँ पे तेजी से। उसके बाद सिंपल से ऑर्डर पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ऑर्डर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे मेरा अमाउंट ऐसे कट गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 रुपये हमें कट गया है और 8 रुपये अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंपियर में, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा कब तक यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ऑर्डर हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखाएगा इन प्रोसेस, यहाँ पे देखिए इन प्रोसेस लिखाएगा, और यहाँ पे देखिए हम 100 लगाए हैं लेकिन 5 हमें एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो इन प्रोसेस में आपको ऐसे आधा घंटा या आपको 10 मिनट या 15 मिनट, ये आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगता है, कभी कभी 1 घंटा भी ले लेता है। तो हम चलिए वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब आप लोग ऐसे देख सकते हो इस पर 216 अभी से व्यूज आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी ऐसे एक बार ट्राई कर लेना, ज़्यादा पैसा मत लगाना पहले, आप ऐसे कम ही पैसा लगा कर 10 रुपया या 20 रुपया लगा कर ही चेक करना अभी, उसके बाद बढ़ेंगे तभी आप ज़्यादा पैसा लगा देना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग ऐसे लाइक कर दे फ्रेंड।